साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं गमका मेडिकल से रिलेटेड। अगर आप विदेश जा रहे हैं मेडिकल का चार्ज कितना रहेगा, तो हम वीडियो बनाएंगे इंडिया के बाहर निकल के पाकिस्तान से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, सर पाकिस्तान का वीडियो क्यों बना रहे? तो भाई पाकिस्तान में भी मेरे वीडियो देखते हैं लोग, मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, इसलिए मुझे पता है। और हो सकता है आपको भी अगर नॉलेज में हो जाएगी तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई नुकसान होगा। पाकिस्तान में इंडिया में मेडिकल चार्जेज के कितने डिफरेंस है, आपको भी नॉलेज में होना चाहिए। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल से रिलेटेड। इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हर पर रोज आपको 100% विदेश से संबंधित सही जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करेंगे गमका मेडिकल फीस इन पाकिस्तान। अगर अब पाकिस्तान का बंदा कोई विदेश जाता है और वो मेडिकल करवाता है तो उसके कितने चार्जेज लगते हैं? इंडिया से साथियों ज़्यादा है, लगभग ये मान लो डबल है, क्योंकि करेंसी का फ़र्क है। इंडिया में करेंसी 20 का भाव चलता है तो वहाँ पे 40-42 का भाव चल रहा है। करेंसी पाकिस्तान की डाउन होने की वजह से यहाँ के खर्चे भी ज़्यादा हैं हर चीज़ में। अब मैं बता दूँ आपको एक बात, जैसे दुबई के लोग 70-80 हज़ार दे के जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये दे के जाते हैं दुबई के, तो ठीक है, तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे गमका मेडिकल टेस्ट कॉस्ट ऑफ कुवैत। अगर पाकिस्तान का कोई बंदा कुवैत का मेडिकल करवाता है पाकिस्तान में, तो 7000 PKR यानी पाकिस्तान करेंसी 7500 रुपये उसका लगेगा, जबकि इंडिया का 3800 के रुपये लगता है। अगर बंदा कोई सऊदी अरबिया का है और वो भी अगर सऊदी का मेडिकल पाकिस्तान में करवाता है, तो 7500 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ 7500 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। ये मान लीजिए 1000-1200 ऊपर खर्च हो जाता है तो 8500 रुपये आप मान सकते हैं। गमका मेडिकल अगर पाकिस्तान का कोई बंदा करवाता है ओमान से रिलेटेड, तो उसका भी 7500 रुपये ही लगता है। बहरीन का कोई बंदा पाकिस्तान का बहरीन का मेडिकल करवाता है 7500 रुपये ही लगता है। और कतर का मेडिकल कोई करवाता है तो इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया दुबई और कतर का मेडिकल गमका करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान को गमका मेडिकल करवाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 7500 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़। अब इंडिया में और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या लगा आपको? पाकिस्तान में सेम, सभी कंट्रियों की सेम प्राइस है 7500 पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडिया में हर कंट्री की अलग अलग चार्जेज हैं, इसका ये इतना डिफरेंस आता है। कतर का, दुबई का इंडिया में गमका वैलिड नहीं है, नहीं लेते चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वैलिड है, करवाना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये मैंने कुछ आपको बताए हैं। दुबई का इसमें चार्जेज नहीं बता रखा है, तो शायद दुबई का इसका मेडिकल नहीं होता होगा। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी रिलेटेड आपको सही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो मिलता रहे। साथ में नए कानून से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया कानूनी जानकारी के लिए, नीचे लिंक छोड़ रहा हूँ, उसको आप जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।